सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज मैं आपके लिए जेनरेटर की टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो उससे पहले हम जेनरेटर का रोल मैं आपको समझा देता हूँ। जेनरेटर का मीनिंग होता है क्लीन करना, वॉश करना। तो आपको डेड बॉडी साफ कर सकते हैं ये रोल में, आप किल नहीं कर सकते जब तक आपका पार्टनर निकल नहीं जाता या वो मर नहीं जाता, तब तक आप किल नहीं कर सकते। आप बॉडी साफ कर सकते हैं, तो पूरे मैप में आप बॉडी साफ कर देंगे तो किसी को बॉडी नहीं मिलेगी। इंटरेस्टिंग रोल है, लेकिन बॉडी फ्रस्ट्रेशन वाला भी रोल है, क्योंकि आपका पार्टनर अगर किल ही नहीं करेगा तो आप नल्ले इंपोस्टर की तरह इधर उधर मैप में घूमते रहोगे, क्योंकि आप किल नहीं कर पाओगे जब तक आपका पार्टनर निकल नहीं जाता। जब मैं ये जेनरेटर बनके वीडियो शूट कर रहा था तब मैं अंदर से इतना पागल हो गया था, फ्रस्ट्रेट हो गया था, क्योंकि मेरे पार्टनर किल ही नहीं कर रहे थे। मैंने शायद 10 से 15 मैचेस खेली थी, लेकिन एक ढंग का पार्टनर नहीं आया था जो किल पे किल कर बैठे। वो किल ही नहीं कर रहे थे बंदे, और उन लोगों को मेरे को समझाना पड़ता था कि भाई तू इंपोस्टर है, मैं जेनरेटर हूँ, मेरे को साफ करनी है तो तू किल कर। वो बंदे किल ही नहीं कर रहे थे, वो लोग मेरी वेट कर रहे थे यार। तो जेनरेटर रोल ना मेरे को बहुत ही फ्रस्ट्रेशन वाला रोल लगता है, क्योंकि अगर आपका पार्टनर अच्छा नहीं आया तो समझ लेना कि वो गेम में आपको कुछ मजा नहीं आने वाला, आपका गेम गया। आप इंपोस्टर होके भी कुछ नहीं कर पाओगे, जब तक वो नहीं निकलेगा आपको खेलने में मजा भी नहीं आएगा। लेकिन टिप्स एंड ट्रिक्स तो आपको बतानी होगी, तो चलो टिप्स एंड ट्रिक्स पे जाते हैं। तो सबसे पहली टिप्स ये है कि शुरू में आपके पार्टनर से दूर रहिएगा। पहली दो मीटिंग या दो बॉडी टप आप उससे दूर रहिएगा, अलग रहिएगा। अकेले में जाके कहीं पे भी टहलिएगा, आपको मिशन करने की एक्टिंग कर सकते हैं, कैमरा झांक सकते हैं, कुछ भी करिएगा, लेकिन शुरू में अपने पार्टनर के साथ मत जाइएगा। बहुत बंदे गलती कर बैठे हैं कि जेनरेटर बनता है तो पार्टनर और वो जेनरेटर साथ साथ घूमते हैं, ऐसा मत कीजिएगा। अलग घूमिएगा, अगर कहीं पे बॉडी कटी होगी तो आपको मिनी मैप में भी मार्कर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मेरा पार्टनर ऑरेंज था, उसने यहाँ पे मेडबे में किल किया था, तो ब्लू की बॉडी वहाँ पे मेडबे में मेरे को शो हो रही थी, तो मैं वहाँ पे नहीं जाता क्लीन करने के लिए, क्योंकि गेट पे बॉडी काटी हुई है। तो शुरू में आप अवॉइड कर सकते हैं अपने पार्टनर को भी और डेड बॉडी को भी। अगर डॉक्टर आता है तो आप जाके साफ कर सकते हैं। आप सेबोटास भी फिक्स कर सकते हो, लेकिन तब तक फिक्स मत कीजिएगा जब तक आपको कोई दिख ना जाए कि कोई बंदा आपके पास आ रहा है, तब तक आप सेबोटास फिक्स ना कीजिएगा। मिशन करने की फेक एक्टिंग कीजिएगा, बंदों का शुरू में ट्रस्ट जीतिएगा। यही सबसे पहली टिप्स है। दूसरी टिप ये है कि अगर आपका पार्टनर आपके पीछे आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप तो किल कर नहीं सकते, वो आपके पास आ रहा है तो भाई सोच समझ के आप बॉडी साफ कीजिएगा, क्योंकि आप पकड़े जाने का भी चांसेस है। अगर वो बॉडी काट के चला जाता है और आपका कूलडाउन ज़्यादा होता है तो आप भी वहाँ से भाग लीजिएगा, या फिर लाइट ऑफ कीजिएगा या डोर क्लोज कीजिएगा और वेट कीजिएगा। आपका कूलडाउन जैसे हो जाएगा आप बॉडी साफ करके आप भी वहाँ से तुरंत निकल लीजिएगा। तीसरी टिप जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है, आपका पार्टनर अगर किल नहीं करता तो मीटिंग बुला लीजिए सीधा और बोल लीजिएगा इसने किल किया है या वेंट किया है, कुछ भी करके इसे वोट आउट करके सीधा निकाल लीजिएगा। ऐसे पार्टनर की कोई जरूरत नहीं है जो किल ही ना करे। मैं तो ऐसे पार्टनर को निकाल ही देता हूँ अगर वो किल नहीं करता तो। भाई इंपोस्टर बने हो तो आपको किल करना है, फेक मिशन करने की एक्टिंग तब करना है जब आप पे शक हो। तो ऐसे पार्टनर की हमें कोई जरूरत नहीं है, सीधा मीटिंग बुलाइएगा, वोट आउट करके निकाल लीजिएगा, कुछ भी बोल के उसको निकाल लीजिएगा। चौथी टिप्स ये है कि अगर आपका जैसे कूलडाउन हो जाता है क्लीनअप का या फिर नहीं भी होता है तो भी आप वेंट में चले जाइए। वेंट आपके लिए सबसे सेफ्ट है, अगर कोई ग्लूटोनी आया हो या शेरिफ आया हो तो आप उससे बचे रहेंगे, और वेंट में बैठे बैठे आप सेबोटाज या डोर क्लोज कर सकते हैं, तो बेस्ट है वेंट में छुपे रहिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि गेम में प्लम्बर ना आया हो, अगर प्लम्बर आया है तो चुपचाप से जल्दी से वेंट से बाहर निकल जाइएगा। पांचवी टिप्स है बॉडी कब साफ करनी है आपको, तो उसके बारे में आपको समझाता हूँ। देखो अगर आपका पार्टनर किल करके चला जाता है तो याद रखिएगा कि डोर क्लोज करके आप बॉडी साफ करिएगा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, या तो फिर आपका पार्टनर किसी को किल कर देता है तो तुरंत लाइट ऑफ का सेबोटास बुला लीजिएगा और वहाँ से आप क्लीन करके वहाँ से निकल जाइएगा। तो बेस्ट है लाइट ऑफ और डोर क्लोज करके ही आप बॉडी साफ कीजिएगा, ऐसे ओपन में कभी भी बॉडी साफ मत कीजिएगा। आज की आखिरी टिप्स या फिर मेरा सजेशन है कि अगर आपका पार्टनर जेनरेटर आया हो तो आपको मिनिमम एक स्पेशल वाले स्पेस को मार के जाना है, चाहे आप किसी के सामने मारो या ना मारो, लेकिन आपको अपने साथ साथ एक स्पेशल रोल वाले स्पेस को मार के जाना है, ताकि बाद में आपका पार्टनर को जेनरेटर को दिक्कत ना आए। आप रोल वाले प्लेयर को मार के पकड़े भी जाओ तो भी कोई बात नहीं, बाद में आपका जेनरेटर जो पार्टनर होता है वो सारा हैंडल कर लेता है, क्योंकि उस पर कोई शक ना करेगा। अगर स्पेशल रोल वाले प्लेयर बंदे अगर जिंदा रहेंगे तो फिर जेनरेटर को भी बाद में दिक्कत आएगी, इसलिए आपको स्पेशल रोल वाले प्लेयर को मार के जाना है, चाहे आप सामने है क्यों ना मार दो। मेरी तरफ से और एक सजेशन है कि अगर आपका पार्टनर जेनरेटर आया हो और आप कोई भी इंपोस्टर बने हो तो यार आप जल्दी से जल्दी किल कीजिएगा, क्योंकि आप जब तक निकलेंगे नहीं तब तक वो भी किल नहीं कर पाएगा, तो वो अंडर अंडर बहुत ही गुस्सा हो जाएगा और गेम खत्म होने के बाद वो आपको बहुत ही गाली देगा। इससे अच्छा है कि आप जल्दी से किल कीजिएगा, आप चाहे किसी के सामने भी किल करके पकड़े क्यों ना जाए, लेकिन आप किल कीजिएगा। जब मैं जेनरेटर बनके गेम खेल रहा था तो 3-4 गेम में तो मैंने अपने पार्टनर को ही निकाल दिया था, क्योंकि वो किल ही नहीं कर रहा था, और कुछ गेम में तो मैंने गेम खत्म होने के बाद मैंने अपने पार्टनर को इतनी गाली भी दी थी कि भाई तू इंपोस्टर के नाम
पे कलंक है, तू किल नहीं कर रहा है तो भाई तू इम्पोस्टर बना ही क्यों, निकल जाओ भाई, गेम खेलने ही क्यों आते हो। तो यार याद रखो यार, आपका पार्टनर अगर जेनेटर आया हो तो किल कीजिए यार, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा आपका पार्टनर जो जेनेटर बना होगा। तो देखो यहाँ पे मेरा पार्टनर कितना अच्छा आया है, सबोटास फिक्स कर रहा है देखो इम्पोस्टर बन के, और किल नहीं कर रहा है यहाँ पे, ऐसे पर्पल को भी वो मार नहीं सकता, देखो कैसे दौड़ा रहा है भाई, किल करना भी नहीं आता। ऐसे पार्टनर से मैं इतना परेशान हो गया था ना, मैं गेम खेलते खेलते पहले मेरे को लगता था कि यार जेनेटर बहुत ही अच्छा रोल है, लेकिन यार ऐसे पार्टनर आ जाते हैं ना तब आपको पता चलता है कि यार जेनेटर सबसे बेकार रोल है। तो आई होप गाइस आपको यार जेनेटर की टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करो अपने दोस्तों को, और मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी या एंड बाय बाय। देखो गाइस ऐसे पार्टनर के साथ भी मैं गेम जीत रहा हूँ यार, लिटरली जेनेटर बनके मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ ना। गाइस लाइक दीजिए यार ये गेम प्ले वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, यार मैंने बहुत ही पेशन रखा है, मैंने बहुत ही अपने आप को संभाला है। We will not fear the puny imposter.